हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नीट पीजी का जो 2021 का सिलेबस है वो अवेलेबल है 2021 के लिए। तो सिलेबस आपको देखना है तो सबसे पहले तो क्या करना होगा कि आपको किसी भी ब्राउजर से google.com ओपन कर लेना और वहां पर आपको टाइप करना है नीट पीजी 2021 IAS। पर यही एग्जैक्टली वही आपको टाइप करना होगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर टाइप करने के बाद यहाँ पर देख लेना है, यहाँ पर IAS पर लास्ट में टाइप करना है। IAS पर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको नीट पीजी के रिलेटेड सारे अपडेट, सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते हैं। तो आपको यहाँ पर सर्च पर क्लिक करनी है और सर्च करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करनी है और मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, तो उसे क्या करना होगा, आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। तो ये आपके इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड कर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से, मतलब जैसे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। मैंने में बोला आपको, मैंने कि आपके जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, उसे क्या कर लेना, ओपन करेंगे तो आप इस पेज पर डायरेक्टली ओपन हो जाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो एग्ज़ाम डेट है जो अनाउंस होने वाली है, तो सबसे पहले तो इस फॉर्म को फिल कर दीजिए जहाँ पे आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका नाम क्या है वो लिखना, आपका ईमेल आईडी क्या, आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या, अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे टाइप कर लेना। सेलेक्ट योर करेंटली स्टेट, तो जिस किसी भी स्टेट के उस स्टेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। आपकी सिटी कौन सी है, सिटी को भी सेलेक्ट कर लेना है। आपको कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है, उस कोर्स को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, डिस्टेंस लर्निंग, BCM से, फैशन, जिस किसी भी कोर्स में आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 10-12 डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, मास्टर PG जो भी आपके, उसको सेलेक्ट करके गेट फ्री काउंसिल पर क्लिक कीजिए। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर आपके ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें साथ रहेंगे, तो गेट फ्री काउंसिल पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आपको सिलेबस चाहिए, तो सबसे पहले तो सिलेबस पर यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करना होगा। तो जैसे क्लिक करते हैं आप, यहाँ पे न्यू टैब में ओपन होते हैं। यहाँ पर आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है, तो जो नीट का पीजी सिलेबस यहाँ पे बताया गया है कि सिलेबस यहाँ पे आपका रिलीज है, स्टैंड फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी इंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन विच इज नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन होता है। तो आपका जो सिलेबस आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो बायो केमिस्ट्री यहाँ पर टॉपिक्स बताए गए कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको आएंगे आपके एग्ज़ाम में, ये टॉपिक्स आपको इंपॉर्टेंट सी है, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने जूम कर दिया ताकि आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाए, आप भी देख सके अच्छे से। देखते टॉपिक्स हमें बताया गया कि होमोस्टेस्टिक्स, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, बायोकेमिस्ट्री ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर ओके कम्युनिकेशन, रेड एंड वाइट सेल, थॉर्मी वॉइस मस्कुलर। तो ये सारे जो टॉपिक्स आपको बताया काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपको इसी बेस पे आपको स्टडी करनी है आपके एग्जाम के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो है साइकोलॉजी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉपिक्स यहाँ पे बताया गया, अच्छा सॉरी फिजियोलॉजी, यहाँ पे देख सकते हैं नर्वस सिस्टम, सेंसरी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे जो आपका टॉपिक्स है, इसी टॉपिक्स के बेस पे आपको स्टडी करनी है आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। एनाटोमी यहाँ पे टॉपिक्स बताए गए, तो इस टॉपिक के आपको रिवाइज करते रहना है, और ये भी आपको इस टॉपिक्स पे आपको रिवाइज करते रहना है जो यहाँ पे कॉमा के बाद आपका, मतलब एक एक कॉमा के अंदर एक एक टॉपिक्स बताएगा। देखते हैं यहाँ पर एक, यहाँ पर दो, यहाँ पर तीन, ये कॉमा तक खत्म होता है, फिर ये कॉमा यहाँ तक खत्म होता है, ये कॉमा यहाँ तक खत्म होता है। तो इस तरीके से आपको देखना है। और ये जो यहाँ पे ऑप्थाल्मोलॉजी, यहाँ पे देख सकते हैं टॉपिक यहाँ बताया गया कि यहाँ पे जो भी आपका टॉपिक्स है, ये यहाँ पे देखा है सिस्टमेटिक ऑब्स्ट्रक्शन डिजीज ऑफ, तो ये आपके जो टॉपिक्स, आपको इसी टॉपिक्स के बेस पे आपको स्टडी करनी है आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। और ये भी इतना सारे टॉपिक्स है, बहुत सारे टॉपिक्स है, आपको स्टडी करते रहनी है तभी आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जाइनोलॉजी, यहाँ पे देख सकते हैं इसका सारे टॉपिक्स बताए गए, और इसके भी ऑब्स्ट्रिक्स यहाँ पे जो है सबके, माइक्रोबायोलॉजी ओके, फार्माकोलॉजी ओके, तो यहाँ पे ड्रग्स एक्सीडेंट, ऑटोनोमिक्स, नर्वस सिस्टम, तो सारे सिस्टम यहाँ पे, मतलब सारे टॉपिक्स यहाँ पे आपको बता दिए गए हैं कि इसी टॉपिक्स पे आपको पढ़ना है, तो आपको इसी टॉपिक्स के रिलेटेड सारी चीज़ें आपको अच्छे से रट लेनी, अच्छे से पढ़ाई करनी, अच्छे समझ के, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे टॉपिक्स है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए, और ऐसे ही वीडियो फ्यूचर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ये वीडियो पसंद आती है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।